नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे भाई अमेरिका से रिलेटेड। हालांकि अमेरिका के बारे में आप सब लोग जानते हैं, घर पे बैठे हैं सब लोग, अपनी मोबाइल में पूरे दिन बिजी रहते हैं तो देखते रहते होंगे, लेकिन अमेरिका के लोगों की मूर्खता के बारे में बात करेंगे कि आपको पता होगा पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। मैंने इस पर 2-3 वीडियो पहले भी डाले हैं, आज भी मैं सबूत के साथ आप लोगों के साथ बातें शेयर करूँगा। ठीक है साथियों, इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको अच्छी अच्छी टॉपिक विदेश से रिलेटेड यहाँ पे मिलती रहे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं कोरोना की अमेरिका में क्या कंडीशन है। तो भाई आपको पता ही है कि मेरे हिसाब से मौतों के मामले में अमेरिका टॉप पे है। अभी मैं बता दूँ, देखिए 17 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट कोरोना वायरस केस लगभग 7 लाख पॉजिटिव केस अभी तक कोरोना वायरस अमेरिका में पहुँच चुके हैं, जिसमें से 36,000 डेथ अभी तक हो चुकी हैं। 36,000 डेथ मायना रखता है यार, 58,000 प्लस लोग रिकवर्ड अभी इस बीमारी से हो चुके हैं। ये जानकारी तो थी कोरोना से रिलेटेड, तो मेरे हिसाब से आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि कितनी भयंकर है। 36,000 लोग अभी तक मर चुके हैं और 7 लाख लोग पॉजिटिव, तो आप सोच लीजिए कितना और मरेंगे। मेरे हिसाब से जो है ना आंकड़ा मरने वाला, इनका 1.5 गुना और बढ़ेगा। और वहाँ के डॉक्टरों ने पहले ही घोषणा कर दी थी यहाँ पे 1.5 से 2 लाख आदमी मरेंगे कोरोना की वजह से। और इसका देखिए मैं बता दूँ एक फंडा और क्या है, ये पढ़े लिखे अमेरिका को सबसे पावरफुल मानते हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, सबसे ज़्यादा ज्ञानी आदमी, सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट वहाँ पे हैं, सबसे सब कुछ ये नहीं अमेरिका में ये मान लीजिए। फिर भी देखिए आज की न्यूज़ जो आई है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। अमेरिका में एक जगह है मिशिगन, मिशिगन में लोगों ने विरोध किया है लॉकडाउन का। उन्होंने सरकार को बोला कि हम आपके नौकर नहीं हैं, हम आपके गुलाम नहीं हैं कि लॉकडाउन में रहे। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग अभी तक 2,000 लोग मिशिगन में मर चुके हैं कोरोना से, और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे हज़ारों की संख्या में पॉजिटिव हैं। फिर भी लोग सड़क पे आ गए पूरी अपनी गाड़ियाँ लेके और चारों तरफ से जाम कर दिया, सरकार का विरोध कर रहे हैं। आप बताओ जी, इतने पढ़े लिखे लोग, कोरोना की स्थिति है, महामारी ऐसी है कि साला दूर 3 फुट से नज़दीक आते ही ये बीमारी लग जाती है, वो लोग एक जगह इकट्ठे हो गए हज़ारों की तादाद में, बोलते हैं लॉकडाउन को हम नहीं मानते, हम आपके गुलाम नहीं हैं। अब बताओ जी, इस दुनिया में मूर्ख कौन है? अमेरिका के लोगों की सोच बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए मैं आपको दिखा दूँ। ये तस्वीरें मिशिगन की राजधानी लेसलिंग की है, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोगों ने स्टेट कैपिटल बिल्डिंग को अपनी कारों से चारों ओर से घेर लिया। लॉकडाउन के विरोध में दिन भर मिशिगन की कई सड़कें जाम रही। लेसलिंग में जो गवर्नर हैं उन्होंने एक आदेश दिया था कि भाई यहाँ के जो कारखाने हैं उनको बंद रखें, आप भी घरों के अंदर रहें, पूरा सिस्टम लॉकडाउन में चला गया था। ये लोग अचानक से एक संगठन ने वहाँ पे जैसे लोग बाहर निकलाए रोड पर, बोला हम आपके नौकर नहीं हैं, हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम लॉकडाउन को नहीं मानते, हम रोड पर आएंगे। यानी स्थिति ये हो गई कि चारों ओर से पूरा ब्लॉक कर दिया, अपनी कारों से लेकर हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। मैं स्क्रीनशॉट भी साथ में डालूंगा ताकि आप इसको आराम से पढ़ सको तसल्ली के साथ में। तो भाई ये ज़रूरी नहीं होता कि अनपढ़ आदमी के भी दिमाग होता है। अब आप देख लीजिए, आप दूसरी कंट्री को छोड़ दीजिए, अपनी बात कर लीजिए इंडिया। साक्षरता दर अमेरिका से कम है, पैसों के मामले में बहुत कम है, वो विकसित देश है आज से बहुत साल पहले। अभी हमारी इंडिया अभी भी विकासशील है, समझ रहे हो? पॉपुलेशन के मामले में कितना ज़्यादा डिफरेंस है यार। तो ये स्थिति अगर इंडिया में हो जाती तो अमेरिका जैसी हालात संभलते? नहीं संभलते। लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद है कि किसी भी तरीके से अच्छी तरीके से लोगों को समझा के बुझा के कंट्रोल किया, पुलिस से प्रशासन से कैसे भी करके, ठीक है। और लोगों ने भी सहयोग किया, लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि लोगों का सपोर्ट रहा लॉकडाउन सफल बनाने में। और ये लोग हैं जो अपने आप को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस मानते हैं, सबसे ज़्यादा विकसित, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, हर चीज़ में साधन संपन्न है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता। तो भाई ऐसे ही होता। अब ये लोग इकट्ठे हो गए, कितने लोग मरेंगे? अमेरिका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा, एक साथ इतनी मौतें होंगी अमेरिका में। तो बस यही है साथियों कि ज़रूरी नहीं होता हर इंसान पढ़ा लिखा समझदार होता, अनपढ़ समझदार नहीं होता। ये एग्जांपल आज की डेट में आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट के साथ में। अमेरिका के साथ यही मेरे पास अपडेट थी, आगे नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।